नमस्कार मित्रों, SGC के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, तो भारतीय इतिहास का ऋग्वैदिक कालीन। तो भारतीय इतिहास में ऋग्वैदिक कालीन क्या दशा थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, आज इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। कि आप जानते हैं कि वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम ऋग्वैदिक कालीन जो स्त्रियों की दशा है उसके बारे में देखेंगे। ऋग्वेद काल में नारियों की दशा अच्छी थी। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था और अभी माना जाता है। पुत्री को दुहिता कहा गया है। ऋग्वैदिक ग्रंथों में पुत्री को दुहिता कहा गया है और पुत्री की एक पर्यायवाची दुहिता भी होती है। दुहिता भी होती है, तो यह आप जानते हैं। तो पुत्री को दुहिता कहा गया है ऋग्वैदिक ग्रंथों में। शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी कहा गया है। मतलब आप जानते हैं कि पति का आधा अंग माना गया है पत्नी को, और उसी से यह शब्द आया है अर्धांगिनी। तो यह अर्धांगिनी शब्द की जो परिकल्पना की गई है वह शतपथ ब्राह्मण में ही की गई है, जो यजुर्वेद का एक उपवेद है, यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यहीं पर अर्धांगिनी शब्द दिया गया है। ऋग्वेद में जायदस्तम शब्द का प्रयोग किया गया है। जायदस्तम का तात्पर्य होता है नारी ही गृह है, मतलब नारी ही घर है। हाँ, ऐसा कहा गया है ऋग्वेद में, नारी ही घर है। नारियों को अपना पति चुनने की छूट होती थी। विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार, विवाह के समय जो उपहार दिया जाता था उसे बृहतु कहा जाता था। मतलब जो नवविवाहिता होती थी, दुल्हन होती थी, उसको यह उपहार दिया जाता था पति के द्वारा या पति के घर वालों के द्वारा, तो इसे बृहतु कहा जाता था। और पति चुनने की छूट होती थी, तो आप जानते हैं कि उसमें गंधर्व विवाह भी था। मतलब यह लोकतांत्रिक परंपरा उस समय भी जीवित थी कि उस समय भी मतलब एक स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार होता था। इस समय कुछ ऋग्वैदिक कालीन में स्त्रियों की दशा के बारे में यहाँ आप लोग को जानकारी होना चाहिए। उस समय कुछ बहुत सारी ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं भी थीं, जिसमें लोपामुद्रा या अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा। यह अलग अलग नहीं है, लोपामुद्रा एक ही है, ध्यान रखिएगा। लोपामुद्रा, घोषा, विश्वारा, यह सभी विदुषी महिलाएं थीं। और इसमें बहुत सारी विदुषी महिलाओं ने ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वेद के सूक्त भी लिखे हैं। ऋग्वेद के अलग अलग सूक्त और या श्लोकों की रचना भी इन महिलाओं ने किया है, इन विदुषी महिलाओं ने किया है। तो यह भी अपने आप में ध्यान देने वाली बात है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों, मतलब वह स्त्री जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, मतलब ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करती थी, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। तथा पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था, और ऐसी महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार भी मिलता था, और वह अगर चाहें तो जीवन भर अविवाहित भी रह सकती थी। और अविवाहित रहने वाली स्त्रियों के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था, अमाजु। इस समय पुत्र की चाह अधिक थी ऋग्वेद काल में। तथा समाज में नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। नियोग प्रथा, उस प्रथा को कहते हैं, उस पद्धति को कहते हैं जहाँ मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए अन्य उपाय की छूट होती थी, तो नियोग प्रथा की प्रचलन था इसमें। और महाभारत में भी नियोग प्रथा का जिक्र मिलता है। विवाह के अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र, विवाह के अवसर पर जो वस्त्र पहने जाते थे महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा, उसे बघायु कहा जाता था। मतलब विवाह के समय जो भी अच्छे वस्त्र पहने जाते थे महिलाओं के द्वारा, उसे बघायु कहा जाता था। विद्वत एवं सभा, यह एक प्रकार की एक सामाजिक संस्था होती थी, एक निकाय चुनाव की तरह होती थी। विद्वत एवं सभा, इसमें भाग लेने का अधिकार होता था महिलाओं को। देखिए, यह बातें मैं बताया हूँ कि प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा गया है सभा और समिति को। तो मुख्य रूप से सभा और समिति होती थी। समिति जो होती थी वह आम लोगों की सभा होती थी, और सभा आम लोगों का संगठन होता था, और सभा जो होती थी इसमें केवल कुलीन लोग, वरिष्ठ लोग भाग लेते थे। समिति जो थी वह आम लोगों की सभा होती थी।
लेकिन यहाँ पर विद्वत का उल्लेख है। तो सभा समिति की तरह ही विद्वत भी एक तरह अलग तरह का एक लोकतांत्रिक संगठन था। तो देखिए, विद्वत और सभा में भाग लेने का अधिकार स्त्रियों का था, विद्वत और सभा में भाग लेने का अधिकार स्त्रियों का था, परंतु समिति में नहीं था। समिति में सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही भाग लेते थे, इन सभा और विद्वत में महिलाएं भी भाग लेती थीं। इस समय के निवासियों को सोना चांदी तांबा और कांसा का ज्ञान था। सोना चांदी तांबा का तांबा और कांसा का ज्ञान था, मतलब उस समय सोने चांदी तांबा कांसा के बर्तन भी मिलते थे, औजार भी मिलते थे और आभूषण भी मिलते थे और बनाए जाते थे, इसका उल्लेख भी है। आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। देखिए, यहाँ कहा गया है आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, तो बिल्कुल आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन लोहे का जिक्र जो मिलता है अतरंजी खेड़ा, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला है एटा, एटा के अतरंजी खेड़ा में लोहे के साक्ष मिले हैं और वह जो साक्ष हैं वह 800 BC के हैं, मतलब 800 ईसा पूर्व के हैं। मतलब ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे उनको लोहे का पर्याप्त ज्ञान हो गया था। बढ़ई को तक्षड़ कहा गया है, तक्षड़, बढ़ई के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है तक्षड़। जुलाहे को एक शब्द, जुलाहे के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है तंतुवाय, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कुम्हार के लिए एक शब्द है कुलाल, तो यह अलग अलग शब्द हैं और यह बहुत बड़े पेशे, बहुत मतलब समाज में इन लोगों की प्रतिष्ठा थी, बढ़ई का, जुलाहा का, कुम्हार का, हाँ, क्योंकि यह सीधे सीधे राजकीय कार्यों से भी थोड़े बहुत जुड़े रहते थे। व्यापार तथा विनियमन निष्क नामक धातु के माध्यम से होता था, एक निष्क नाम का धातु होता था जो गले में भी पहना जाता था, गले में भी निष्क नामक धातु को कभी उसको विनिमय के लिए भी प्रयोग किया जाता था और आभूषण के लिए भी प्रयोग किया जाता था। यही निष्क से ही एक आभूषण बनाने वाली कंपनी है तनिष्क, आप जानते होंगे, तो यह वहीं से आया हुआ है। निष्क एक गले का हार भी होता था और कभी कभी उसे विनिमय के लिए भी प्रयोग कर लिया जाता था। यह एक सोने का बना पिंड होता था। वर्ण व्यवस्था देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसा था। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के 10वें मंडल में, देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, ऋग्वेद जो है वह 10 मंडल में विभाजित है, 10 मंडल में विभाजित है, बताया हूँ सारी बातें इसके पहले ये वीडियो में बताया गया है। ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभाजित है, 2 से 7वें मंडल, 2 से 7वां मंडल जो है, 7वां मंडल है यह सबसे प्राचीन है, प्राचीन है और इसे ही वंशमंडल कहते हैं, वंशमंडल कहते हैं। लेकिन 1, 9, 1, 8, 9, 10 जो है यह प्रसन्न नया मंडल है। तो 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, मतलब पुरुष सूक्त में कहा गया है कि विराट पुरुष के, विराट पुरुष से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति हुई है। मतलब ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का, बाह से क्षत्रिय का और जंघे से वैश्य का और पांव से शूद्र का उत्पत्ति हुआ है, तो ऐसा पुरुष सूक्त में कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, लेकिन एक बात है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी कर्म पर आधारित थी और एक ही परिवार में कई तरह के लोग होते थे। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त भी देखने को मिलती है, जैसे एक सूक्त है ऋग्वेद का कि एक व्यक्ति कहता है कि उसके पिता वैद्य हैं, पिता जो है क्या है, वैद्य हैं, और वह क्या है, वह क्या है, वह पुरोहित है, वह पुरोहित है, और उसकी माँ जो है वह आटा पीसने का काम करती है। तो एक ही परिवार में अलग अलग तरह के व्यवसाय व्यवसाय का लोग पालन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। आश्रम व्यवस्था देखेंगे, ऋग्वेद में आश्रम व्यवस्था पर क्या प्रकाश डाला गया है। देखिए, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इन 4 आश्रमों को हम देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में भी किया गया है। हाँ, आश्रम व्यवस्था को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। देखिए, सबसे पहला आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का, वैसे ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 0 से 25 साल यह माना जाता है। इस आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से, 0 से 25 साल हम लोग औपचारिक रूप से मान लेते हैं,
लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि जब बहुत सारे कार्य होते हैं उसके पालन होने के बाद ही ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाएगा। इस आश्रम का प्रारंभ जो होता है उपनयन संस्कार से होकर, मतलब उपनयन संस्कार से इस आश्रम का पालन होने लगता है। जिस बच्चे का अगर उपनयन संस्कार हो जाता था उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में समझिए अब उसको प्रवेश मिल गया। उपनयन संस्कार से प्रारंभ होकर समावर्तन संस्कार तक समाप्त होता था। समावर्तन उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ होता था, मतलब उपनयन संस्कार हो गया तो बालक को क्या होगा, बालक को गुरुकुल में प्रवेश मिल जाएगा और वहां पर जब तक उसकी शिक्षा चलती रहेगी। शिक्षा समाप्त होने पर एक संस्कार होता था समावर्तन संस्कार, मतलब वह पूरी तरह से क्या है, वह पूरी तरह से उसकी सारी शिक्षाएं समाप्त होती थी और उस समय बालक को स्नातक मान लिया जाता था। स्नातक मतलब स्नान कराया जाता था और समावर्तन संस्कार को संपन्न किया जाता था। यह शब्द भी वहीं से आया हुआ है। फिर देखेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्णों का ही ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था, मतलब इन तीनों को ही उपनयन संस्कार होते थे। अच्छा, उपनयन संस्कार में यह होता था कि ब्राह्मण का अगर उपनयन संस्कार हो रहा है उसे कपास की जनेऊ पहननी होती थी, कपास की जनेऊ पहननी होती थी। क्षत्रिय का अगर उपनयन संस्कार होता था तो उसे रेशम की जनेऊ पहननी होती थी। वैश्य का अगर उपनयन संस्कार होता था उसे भेड़ के ऊन की जनेऊ पहननी होती थी। इसका भी अलग अलग महत्व है, जैसे कपास का ब्राह्मण के लिए क्योंकि यह शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का होता था, और रेशम का इसलिए क्योंकि रेशम जो होता था वह बहुत ही मजबूत होता था। तो क्षत्रियों को आमतौर पर वह उनका कभी मल्ल युद्ध करना होता था, कुछ भी करना होता था, तो इसलिए थोड़ा सा मजबूत इस तरह से रखा जाता था। और भेड़ का ऊन क्योंकि यह पशुपालन से जुड़ी हुई थोड़ा यह सामाजिक संगठन था। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था, अतः उन्हें द्विज भी कहा जाता था। द्विज का तात्पर्य क्या होता है, द्विज का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जिसका वह व्यक्ति या प्राणी जिसका दो बार जन्म हुआ हो। तो यह माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति एक बार जन्म लेता है माँ के गर्भ से तो उसका जन्म हो गया है, लेकिन उपनयन संस्कार होने के बाद उसका कर्तव्य काफी बढ़ जाता था और उसे यह माना जाता था कि उपनयन संस्कार के बाद वह उसका दूसरी बार जन्म हुआ है। तो इस तरह से द्विज शब्द की परिकल्पना भी की गई। शूद्रों के लिए केवल एक ही आश्रम होता था, एक गृहस्थ आश्रम, मतलब ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। यह इन आश्रमों में शूद्र जो होते थे केवल गृहस्थ आश्रम का ही पालन करते थे। अब हम गृहस्थ आश्रम को देखेंगे, सब आश्रम का अपना अपना महत्व है। गृहस्थ आश्रम जो है 26 से 50 वर्ष तक, मतलब कि यह माना गया है कि एक मनुष्य की जो आयु होती है वो 100 साल होती है और यही 100 साल को हम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास में 25-25 साल के अंतराल पर डिवाइड कर दे रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम देखेंगे, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। अच्छा, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम क्यों माना गया है, क्योंकि इस आश्रम में ही रहकर हम पंच ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा मिलता है कि अगर हम गृहस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति रहता है तभी वह कई सारी ऋणों से वह मुक्ति पा सकता है। पंच ऋण से मुक्ति पाना सबसे आवश्यक है हिंदू शास्त्रों या धर्म दर्शन के अनुसार। पंच ऋण, वह पंच ऋण क्या है, भूत ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, यज्ञ ऋण और पितृऋण। जब तक इन और इन सभी ऋणों की जो पूर्ति होती है वह ज्यादातर वह गृहस्थ आश्रम में ही होती है। तो मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम इसे माना गया है। इसे संसार की रीढ़ की हड्डी भी कहा गया है, संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। यह बातें आप जरूर जानना, क्योंकि इस आश्रम के दौरान संतान उत्पत्ति की जाती है जिससे यह संसार चलायमान रहता है। तो इस आश्रम का विशेष महत्व है, सभी आश्रमों में यह आश्रम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पंच रीढ़ की पूर्ति हो रही है। अब हम वानप्रस्थ आश्रम देखेंगे। वानप्रस्थ आश्रम जो है यह तीसरा आश्रम है। इसका जो अवधि है 51 से लेकर 75 वर्ष तक इसकी अवधि मानी जाती है वानप्रस्थ की। वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है, वन को गमन। अच्छा, यह वन को गमन का तात्पर्य क्या है, मतलब कि जो उसमें उस समय दंपति, जैसे मान लीजिए पति पत्नी है अगर दोनों जीवित हैं तो वह वन को गमन कर लेते थे, अगर कोई एक भी जीवित है तभी वह वन को चला जाता था। मतलब 51 से लेकर 75 वर्ष का जो पीरियड है, जो समय काल है, यह वन में बीतता था। अच्छा, वन में यह क्यों जाते थे, वन में वह औषधियों की खोज के लिए जाते थे और समाज सेवा के लिए जो भी कुछ वहाँ औषधियाँ मिलती थी वह लाते थे, जड़ी बूटी बनाते थे, मतलब कुल मिलाकर शांति की खोज भी करते थे और सामाजिक सेवा भी वह करते थे, वन को गमन करते थे। इस आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों का, अच्छा यह आर्यक जो उसमें वन में जाते थे
तो वन में बहुत सारी बातें होती थी। वन में वह चिंतन भी करते थे, सबसे बड़ी बात चिंतन करते थे। और चिंतन करके क्या लिखते थे, करते थे और क्या लिखते थे, वह ग्रंथ लिखते थे। अच्छा, आप जानते हैं वन का एक पर्यायवाची है अरण्य। अरण्य जो होता है वन का पर्यायवाची है। तो उन व्यक्तियों के द्वारा, उन ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, उन महान आत्माओं के द्वारा जब वन गमन किया गया तो वहाँ पर खाली बैठे बैठे थे, तो वहाँ पर जो भी कुछ उन्होंने चिंतन किया, जो भी उन्होंने विचार किया, वह ग्रंथ के रूप में लिखे। और ग्रंथ के रूप में वन में लिखे जाने के कारण इन ग्रंथों को क्या कहा गया, अरण्य में लिखे जाने के कारण ग्रंथों को अरण्यक भी कहा गया। इस दौरान मानव पूर्ण रूप से सांसारिक मोह से विरक्ति नहीं हो पाता था, लेकिन इसमें यह है कि उसमें ज़्यादा विरक्ति नहीं हो पाता था, समाज से थोड़ा दूर चले जाते थे, लेकिन कर्तव्यों का निर्वाह भी करते थे। अब अंतिम आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम जो था वह 76 से 100 वर्ष की अवस्था ये मत जो होता था संन्यास आश्रम, यह सबसे आखिरी आश्रम था, सबसे अंतिम आश्रम था। इसमें मानव सन्यासी जीवन व्यतीत करता था, पूरी तरह से सन्यासी जीवन व्यतीत करता था और सांसारिक माया जाल से मुक्त रहता था। अब हम पुरुषार्थ देखेंगे। आप जानते हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अच्छा, यह बातें कही गई हैं कि जैसे मैं आश्रम पढ़ा रहा था तो हमने कहा कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। हाँ, और इन 4 आश्रम में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम है वह मैंने बताया गृहस्थ आश्रम सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यह पंच ऋण की पूर्ति कर रहा है, पंच ऋण की पूर्ति कर रहा है। और पंच ऋण कौन से हैं, भूत ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, यज्ञ ऋण, पितृ ऋण, तो पंच ऋण की मुक्ति पूर्ति कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें भी आप यह देखिए, धर्म की पूर्ति भी गृहस्थ आश्रम में हो रही है, अर्थ की पूर्ति भी हो रही है और काम की पूर्ति तो होगी। तो इन तीनों पुरुषार्थों की पूर्ति भी गृहस्थ आश्रम में ही रहकर की जा सकती है, सिर्फ मोक्ष आश्रम में आपका संन्यास आश्रम आएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें भी यह काफ़ी सर्वश्रेष्ठ हो जा रहा है। और पुरुषार्थ का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में भी किया गया है। ऋग्वैदिक धर्म देखेंगे, ऋग्वैदिक कालीन धर्म क्या था। ऋग्वैदिक कालीन धर्म उपयोगितावाद पर आधारित था। ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म था वह उपयोगितावाद पर आधारित था, मतलब ज्यादा धार्मिक नहीं था, बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं था, मतलब ऐसी नहीं थी जैसी अलौकिक प्रवृत्ति आ गई थी यहां पर उत्तर वैदिक काल में, वैसा नहीं था, उपयोगितावाद पर आधारित था। यह व्यवहारिक प्रवृत्ति मार्गी तथा विश्व के मंगल स्वरूप को मानने वाला था। इसमें प्रकृति का देवीकरण किया गया था तथा इस देवीकरण में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। इंद्र को युद्ध व वर्षा का देवता माना गया है। अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। देखिए, इंद्र का उल्लेख जो पूरे ऋग्वेद में 250 सूक्त जो है सिर्फ देखिए कितना सूक्त है, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, और 1028 सूक्त में सीधे 250 सूक्त सीधे इंद्र जी के बारे में है। तो आप समझ सकते हैं कि इंद्र जी का कितना महत्व है ऋग्वेद में। और उसके अलावा दूसरा महत्व किसका है, अग्नि का उल्लेख है। अग्नि के बारे में कितने सूक्त हैं, तो अग्नि के बारे में 200 सूक्त हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना सबसे बड़ी बात है कि इंद्र अग्नि का उल्लेख है और पुरुष देवताओं का ज़्यादा प्रधानता है। अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, इन्हें 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। ऋग्वेद में 200 सूक्त जो हैं वह अग्नि को समर्पित किए गए हैं, और अग्नि को मध्यस्थ देवता भी कहते हैं। मध्यस्थ देवता भी अग्नि को कहा गया है। मध्यस्थ देवता क्यों कहा गया है, मध्यस्थ देवता किसके मध्य, ईश्वर और व्यक्ति के मध्य, मतलब अग्नि में ही आहुति दी जाती थी, और वह आहुति जो है, वह जो संदेश है, जो ऋषि कहना चाहते थे, वह अग्नि के माध्यम से धुआं उठकर वह स्वर्ग तक जाती थी। तो ऐसा इसीलिए इन्हें मध्यस्थ देवता कहा गया है, ईश्वर और व्यक्ति के मध्य मध्यस्थ देवता थे। वरुण जल के देवता थे, इनके बारे में केवल 30 सूक्त है, 30 सूक्त जो है वह वरुण को समर्पित है। इन्हें सबसे ज्यादा भाव प्रण व उदात सूक्त समर्पित किया गया है। इनके
इनके स्थिति के लिए व्यक्ति का पवित्र होना आवश्यक माना गया है। यह रीति के नियामक थे, मतलब नैतिक संहिता के, मतलब नैतिक आचरण के देवता माने जाते हैं। वरुण जो है वह नैतिक आचरण के देवता माने जाते हैं, नैतिक संहिता का पालन करवाते थे, इसलिए उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा गया है, ऋतस्य गोपा भी ने कहा गया है। ऋग्वेदी काल में दर्शन क्या था, ऋग्वेद में इसको हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद दर्शन इकेश्वरवाद व एकात्मवाद की ओर उन्मुख हो चला था। यह उपयोगितावाद पर आधारित था। इस धर्म में मोक्ष का उल्लेख नहीं मिलता था तथा यज्ञ की बजाय प्रार्थना पर अधिक बल दिया गया था। हालांकि ऋग्वेद में कृष्ट पूर्त यानी स्वर्ण तथा अवर्तस मतलब नरक का उल्लेख है, तो मतलब यहाँ पर स्वर्ण नहीं होगा, स्वर्ग होगा। हाँ, तो स्वर्ग के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है और अवर्तस शब्द जो किया गया है वह नरक के लिए किया गया है। इन दोनों का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।